इस वक्त की बड़ी खबर से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का भी इस चार्जशीट में सीबीआई ने नाम डाला है। तो बड़ी खबर, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीट आखिरकार दाखिल कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती का चार्जशीट में नाम है। आपको बता दें, लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आखिरकार सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बताइए क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस दौरान जो है नौकरी के बदले जमीन लेने के जो मामला था उसकी जो रेगुलर केस है वो सन 2017 में सीबीआई ने दर्ज किया था, और उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव समेत काफी सारे लोगों को आरोपी बनाया था और उसकी जांच चल रही थी इस मामले में। आज जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव की जमानत कैंसिल कराने के लिए सीबीआई कोर्ट भी गई थी और 28 अक्टूबर को अदालत के आदेश के बाद खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव को मौजूद वहां पर रहना पड़ेगा। और इस चार्जशीट के बाद जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव और बाकी लोगों का नाम हो सकता है। जिस तरीके से जब रेल मंत्री रहते हुए काफी सारी जमीन थी वो ट्रांसफर की गई थी, जिसमें भोला यादव को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जो मेन मास्टरमाइंड बताया जाता था कि आईआरसीटीसी या फिर ग्रुप बी की जो जमीन की नौकरियां थी वो बांटी गई थी और उसके बदले काफी सारी जमीन ली गई थी। और पिछले महीने सीबीआई ने जब दिल्ली समेत कई जगहों पर रेड की थी तो काफी सारी जो रजिस्ट्री थी वो बरामद की थी, जिसमें गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का जो एक मॉल था वहां पे भी रेड की गई थी, तो काफी दस्तावेज जब बरामद किए गए थे। तो उसके बाद आज कुल 13 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल करी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, मीसा भारती का है और बाकी अन्य लोग हैं उनके नाम शामिल है। और तेजस्वी यादव को लेकर जो चार्जशीट है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है सीबीआई बाद में करेगी, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है कि तेजस्वी यादव की जो है जमानत जो है खारिज की जानी चाहिए, जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने सीबीआई को। बिल्कुल प्रमोद, तो कुल मिलाकर सीबीआई बेहद ही ज्यादा इस पूरे केस को लेकर एक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताजा अपडेट पहुंचा।